हेलो सुनो, तुम्हारे अच्छे बर्ताव के चलते तुम्हें कल जेल से रिहा किया जाएगा। तो आज जितना मर्जी है उतना पढ़ लो, कल तुम अपने घर जाके पढ़ना। और हाँ, ये देखो कोई तुम्हें मिलने आया है, इनसे मिल लो, ये तुम्हारी आत्मकथा सुनना चाहते हैं। हाय, कैसे हैं आप? हाँ, अपन भी ठीक है। बड़ी हैरानी हुई ये सुनकर कि कोई छोर के बारे में भी लिखना चाहता है। वैसे हमारी क्या कहानी होगी साहब, फिर भी अगर आप जिद कर रहे हैं तो अपन आपको कहानी सुना ही देता है। अपन की कहानी सुन के अगर आपको कुछ अच्छा लगता है और कुछ अच्छा जानने को मिले तो जरूर बताइएगा। तो सुनिए अपन की आत्मकथा। अपुन का जन्म कब हुआ वो अपुन को इज नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि अपन किसी को तालाब के नजदीक जो कूड़ा पड़ा रहता है वहां से मिला था, और जिसको भी मिला वो अपन को अनाथ आश्रम में छोड़ गया था। तो अपन अनाथ आश्रम में ही पड़ा बला है। अपन को स्कूल जाने का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो अपन जबरदस्ती जाया तो करता था पर हमेशा बाहर घूमने निकल जाया करता था। आश्रम में तो वक्त पे जो खाना मिलता था वही खाना पड़ता था, आपको खाना पसंद हो या ना हो, आपके पास और कोई चॉइस नहीं थी, जो खाना मिलता वही खाना पड़ता। तो अपन हमेशा बाहर ही निकल जाता, कुछ ना कुछ मांग के खा लिया करता था। धीरे धीरे अपन बड़ा होता गया और अपन के आश्रम में 15 साल की उम्र तक ही रखते थे, तो अपन को वो आश्रम छोड़ना पड़ा। अब अपन को कोई अडॉप्ट तो किया नहीं था, तो अपन सड़क के किनारे रहने लगा। आते जाते लोगों को दया आ जाती तो कभी कभी वो खाना दे जाते थे। अपन अपने आप से मेहनत करके कमा के खाना चाहता था, तो अपन काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, पर जहां भी जाता कोई अपन को काम पे रखता ही नहीं। सब लोग बोलते, भाई अभी तुम्हारी उम्र 18 साल नहीं हुई है, जब 18 साल के हो गए तो आ जाना, काम पे रख लेंगे। अपन को ऐसा लगने लगा था कि आने वाली जिंदगी की वाट लगने वाली है और पूरी जिंदगी भीख मांग के गुजारनी पड़ेगी। अपन ने ना पढ़ाई की थी ना कुछ, जब मौका मिला तो वो खेलकूद में गवा दिया। पर अपन को नहीं पता था कि जिंदगी अपन से कुछ और ही चाहती है। एक बार शहर में मेला लगा था, उसके बाहर बहुत सारे भिखारी थे जो भीख मांग रहे थे। अपन को भी मेले में जाना था पर पैसा नहीं था, तो अपन ने भी भीख मांगने का सोचा। भीख मांग के जो पैसा मिला उससे अपन मेले में घुसा। बहुत सारे लोग थे, नई नई चीजें थी खाने पीने की, ये सब देख के अपन को बहुत मजा आ रहा था। मेले में जब अपन टहल रहा था तो अपन की ही उम्र के एक लड़के को एक व्यक्ति का पॉकेट मारते हुए देखा। अपन ने जाके उसको पकड़ लिया और बोला, चोरी करता है बे, चल तेरे को पुलिस के पास ले चलता हूँ, डंडे पड़ेंगे ना तब अकल ठिकाने आएगी। फिर वो गिड़गिड़ाने लगा, छोड़ दे भाई, वैसे भी अपन का इस दुनिया में कोई नहीं है और खाने पीने के लिए तो ये सब करना पड़ता है ना। अपन जरा सोच में पड़ गया कि अपन का भी कोई ऐसा साथी नहीं है, ये लड़का भी अपन के जैसा ही है। अपन ने उसको बोला, अपन का भी इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या तुम अपन से दोस्ती करेगा? तो उसने हाँ बोला और फिर हम दोनों एक साथ सड़क के किनारे रहने लगे। हम दोनों की कहानी कुछ एक जैसे ही थी, वो हमेशा पॉकेट मारता, चोरी करता और अपन भीख मांगा करता था। वो जब भी आता बहुत सारे पैसे लेके आता, जिससे हम दोनों अच्छा अच्छा खाना खा पाते थे। अपन भी
भीख मांगते मांगते कंटाल गया था। अपुन भी उसके जैसा ही चोरी करके पैसे इकट्ठा करना चाहता था। तो अपुन ने उसको बोला, भाई अपुन भी तेरे साथ पॉकेट मारने को आएगा, अपुन भी तेरे जैसा बनना चाहता है। तो वो बोला, सोच ले भाई, थोड़ा सा खतरा ज्यादा है, पर कोई बात नहीं, तुम्हें अपन सब सिखा देगा, धीरे धीरे करते करते तू अच्छा पॉकेट मार बन जाएगा। ये सुन के अपुन ने हाँ कर दी और हम दोनों अब पॉकेट मारेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, ये डिसाइड किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और हम दोनों पॉकेट मारने लगे। शुरू शुरू में तो अपुन को बहुत डर लग रहा था, सोचता था कि कोई एड़ा अगर भिड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुटाई। अपुन अपने दोस्त को भी देखता था और उससे सीखता था। थोड़े दिन में ये सब करने को मजा आ रहा था। अपुन सीख गया था कि कैसे पॉकेट मारते हैं। पॉकेट मार के जो पैसा मिलता था उससे हम अच्छा अच्छा खाना खाया करते थे, अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए थे। हम दोनों को देख के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम दोनों पॉकेट मार है। कुछ समय बाद हम लोग पॉकेट मारते मारते थक गए थे और कुछ बड़ा करना चाहते थे। फिर हमने सोचा, बाइक का चोरी करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, ज्यादा पैसा मिलेगा। पर हम दोनों में से किसी को बाइक चलानी आती ही नहीं थी, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम पहले बाइक के गैराज में नौकरी करते हैं और सब कुछ सीख लेते हैं। यह नौकरी करने से शायद हमको बाइक का पुर्जा निकालकर उसे बेचने की जगह भी मालूम पड़ जाएगी और बाइक भी चलाना सिखा लेंगे। उसके बाद हम दोनों अलग अलग गैराज में नौकरी करने लगे और हमने सीख लिया था कि कैसे लॉक की हुई बाइक को अनलॉक करके चालू भी कर सकते हैं। अगर हम बाइक की चोरी करते हैं तो उसके पुर्जे कहाँ बेचेंगे ये भी पता लगा लिया था। 6 से 7 महीनों में हमने बहुत कुछ सीख लिया था। अब हमने गैराज वाले की नौकरी छोड़ दी थी और हम बाइक चोरी करके बहुत सारा पैसा कमाने की राह पे निकल पड़े थे। शायद हम दोनों बहुत लालची हो पड़े थे। हमें नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। हमने बहुत सारी बाइक चोरी कर ली थी और उसको बेच भी दिया था और खूब पैसा इकट्ठा किया था। एक दिन की बात है, हम एक सुनसान रास्ते पे पड़ी बाइक का लॉक खोलने के प्रयास में थे और लॉक खुल भी गया, पर जैसे ही उसे चालू करने की कोशिश की तो बाइक का मालिक जग गया और बोला, कौन है वहां, चोर है क्या, रुक साले, अभी तेरे को सबक सिखाता हूं, बाइक चोरी करेगा क्या। अपुन और अपुन का दोस्त जल्द से जल्द बाइक चालू करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बाइक चालू नहीं हो रही थी। जैसे ही वो बाइक हमारे पास आने लगा तो अचानक से बाइक चालू हो गई और हम भागने लगे, पर आगे किसी ने जोर से डंडा मारा और अपुन झुक गया और अपुन का दोस्त गिरा और अपुन का दोस्त नीचे गिर गया। अपुन बाइक आगे बढ़ाता ही रहा और देखा कि अपुन का दोस्त पीछे दौड़ के आ रहा है। अगर अपुन बाइक रोकता तो वो हम दोनों को पकड़ लेते। अपुन रुका नहीं और अपुन का दोस्त पीछे से दौड़ते दौड़ते आ रहा था। भागते भागते अपन हाईवे क्रॉस करके जंगल की ओर जाने लगा और पीछे से अपुन का दोस्त दौड़ के सड़क क्रॉस कर ही रहा था कि अचानक से एक ट्रक आया और उसने अपुन के दोस्त को जोर से टक्कर मार दी। अपुन को जैसे ही पता चला अपन उसको देखने को जाने लगा
अरफील लोगों ने अपुन को पकड़ लिया और बहुत मारा और पुलिस वाले के हवाले कर दिया। अपुन को धारा 379 के तहत 7 साल की सजा हुई। अपुन का कोई दोस्त भी नहीं था तो जमानत भी नहीं हो पाई। अपन को जेल में कैद होने का गम नहीं था, ये तो एक ना एक दिन होने ही वाला था। अपुन को अपने दोस्त को जाने का गम था। अपुन को अपने दोस्त की बहुत याद आ रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अपन जेल में सजा काटने लगा था। अपुन को बहुत पछतावा हो रहा था कि काश गलत रास्ते का इस्तेमाल ना करके वो गैराज में ही काम कर रहा होता तो दोस्त को तो खोना नहीं पड़ता। फिर एक दिन जाके एक कैदी जेल में आया। वो बेगुनाह था पर कुछ लोगों ने साजिश करके उसको फंसा दिया और सलाखों के पीछे डाल दिया। वो हमेशा किताबें पढ़ते रहता था। अपुन भी अपने स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखा था तो अपुन ने भी उसकी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। वैसे भी सलाखों में बैठे बैठे कुछ करने को तो था नहीं तो अपुन ने वही किताबें पढ़नी जरूरी समझी। किताबें पढ़ते पढ़ते अपुन बहुत कुछ सीख गया था और एक दिन जाके अपुन ने अपुन की ही कहानी लिख डाली। पुलिस स्टेशन में एक हवलदार बहुत अच्छा था तो उसने अपुन की कहानी पढ़ी और उसे बहुत अच्छी लगी तो उसने एक पब्लिशर को दिखाई और उसे भी यह कहानी बहुत पसंद आई और वो अपुन के साथ मिलके एक किताब पब्लिश करना चाहता है। अब अपुन ने भी सोच लिया है कि कल जेल से बाहर निकल के अपुन कभी चोरी नहीं करेगा, अपन सबको मोटिवेट करेगा, मेहनत की कमाई ही खाएगा और जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं उनको पढ़ाएगा लिखाएगा और आगे बढ़ने की हिम्मत देगा ताकि वो भी मेरे जैसे चोर ना बनें।